जलननाथ जी, जलननाथ जी ने गोरखनाथ जी कहो रे भाई थे तो कन्यापाल थे जलननाथ जी का हजारू चेला हो और जलननाथ जी ने गोपीचंद राजा कुएर में ऊंधा लटका परा और घोड़े लीद बरादी माथे थे तो गुरु ने काट लाओ कौन डबो घणई हो गई। बोले मोहले गुरु तो मैं काट ला पर थारो गुरु कौर देश विद्या सीखने वास्ते गया मच्छंदनाथ जी बियोन बटे ठंठा ठिकणियों कोई करी हालत मैं निम्मा की बना छत्र चेप दिया बोने तू ही लिया जन जान ले के गुरु तू चेलो तकड़ो एक मैं तकड़ा तो क्यों तुम्हारे गुरु ने लिया तो कहीं देखो कन्यापाल आपरे शिष्य ने भेड़ा करिया हेगला ने और आपरे गुरु जलेंद्रनाथ जी ने कटन जावे तो बे तो शेष चेला हा हजारों चेला जिनके हम कहीं घंटों पर लागो कू आदो कर दियो गोरखनाथ जी विचार के दे अपन तजे अठाई अठी बातों करा और ए तो आदो कर दियो अपन गुरु ने ले रहा जते तो कार्ड ले जी जद गोरखनाथ जी मरा निकलती टाइम एक चिमटी भर नोक दी पाछी के दिन दुना रात चौगड़ी दिन ने काटे जी किनो रात ने पाछो चौगणो हो जावे आवे गोरखनाथ जी महाराज कांवर देश जावे मच्छंद्रनाथ जी ने लावण वास्ते तो मच्छंद्रनाथ जी ने लावण वास जावे पण कांवर देश में 108 चौकी लागिया करती ठिगणी हरी जटे हर चौकी माते एक मण नमक पीसनो घटी लागोड़ी एक मण नमक पीसो और एक चौकी पार करो विचार के रे इती चौकियां पार करना जी दापर तो कई वर्ष बदी तो जी अपन तो गुरुजी ने बेगल आना पड़ी तो वृंदावन रा कई नाच गावण करनाला बठे नृत्य कलाकारी करने जावता एक तबलचीरो कोई पेट दुखन लागो हर गोरखनाथ जी जार पूछियो रही रहो यो कहीं के भाई साजिंदो हो मार तो दोल क्यों ओ एंड हो गयो और मार तो मैं कलाकारी बिची रही गोरखनाथ जी के रेया करे गेला हूं आजकल तमलो हगड़ बजा जणो मने ले लो थारे पार्टी में ले लो जको थारे कह दियो नहीं जीती ठिगणिया नाचन वाली जको पगरा गुंगरिया तोड़ा दे और हो सके एक आदमी टोंग ही तोड़ दे तो के बजा ले हो के अरे थाने कह दियो गिरड़ गज काट दे तो गोरखनाथ जी महाराज कांवर देश में जा पर तबलो बजावे और तबले में नो कहीं आवाज काटे आपरे गुरु ने आवाज देवे और केवन लगा हर जागो रे मच्छंदरी गोरख आया रे आगम किसम तबले में आवाज काटे जाग मच्छंदर गोरख आया अगम पिछमरा देला ऐसी नींद काई सुता हो गुरुजी आप गुरु हम चेला तबले में आवाज आई गोरखनाथ जी महाराज री आवाज सुनी मच्छंदरनाथ जी कांगुर देश रे मिने तांत्री विद्या करने वाली दुगे रो घाटो नहीं ठाले बोले बेते मिने ने बर्द बना ले मच्छंदरनाथ जी गया तो कोई विद्या सीखन हार बटे कब्जे हो गया छड़ में आ गया छड़ में लेर कब्जे कर लिया और मैंने माखी बना परा छत्रे चेप दिया
रात्रा मिनक बिनापरा और मच्छंद नाथ जी ने केवे जिया करनो पड़े। जद मैं नी माखी बनियो ना मच्छंद नाथ जी आर चेलेरी आवाज सुनी हार पाछो मिनक रो रूप कर चारू ठिकनिया ने के हमें मारो चेलो आ गयो गोरखो हमें थाने कब्जे कर ली जिके में कोई फर्क कोनी। तो जिनते में चारू बेनो बारी मौकर माथो काडियो गोंगली तेल नाल दी भजदनी आर गोरखनाथ जी महाराज उबा ऊपर ही फूंक मारी तबले माते ये हाथ ठहर गयो। गोरखनाथ जी विचार कियो भाई आ गई जिके में कोई फर्क कोनी। एक तो आई लागे गोरखनाथ जी महाराज उबाई पानी फेंक गयो चल तेरे तीन सिम तीन हिंग और कयो एक तो अठे हिंग निकल गयो और दो अठे निकल गया बारी में भजीड़ा खावे होगी। बाकी रे के भाई मया जो कोनी पाछो के जो लिया आज कोई ऊपर लो उस्ताद आ गयो हावड़ रहया कब्जे कर लेला अरे रो नाव गोरखो बतावे है और बड़ो अपनो ज्यादा तोंदरी के गिरड़ का काट दी प्रिया मरिया हूं तो कब्जे आई जी की आई। जद बा गोरखनाथ जी महाराज ने कहीं कहे हे महाराज पाछो मने की करी करी तैयार करो। गोरखनाथ जी महाराज के नहीं मारो गुरु कटे पहला बता। गोरखनाथ जी महाराज ने देकर मच्छंदनाथ जी गड़ो काडियो बेटा हूं अठे न्याल कर दिया हागड़ी जगह जलिया होते ही मैं तो अड्डी को उठे ज्ञान ही के है तो कोई भूल लिया होते तो मन रहा है। तो गोरखनाथ जी ने मच्छंदनाथ जी के अरे पर लागी रे चेला उड़े कर आवे रे घर लागी का डूबे मारे तट दृष्टि बस की बाईडा और अठी दृष्टि मो निकलनो दूर हो गयो। बोले गुरु जी आ दशा की करोई के बोल मती ना बिने विचार बोले नहीं जी के मैं फोड़ा पड़े यार मरनो ही पड़े। तो मच्छंदनाथ जी गोरखनाथ जी ने कहीं के वे अरे बिने बिचारा बिना बोल मती रे बोलिया मरनो पड़े बोल मती रे बोलिया मरनो पड़े। बिने बेचारिया कौन बोलियो के गुरु चेलो रहता हर एक राजा नगरी में जिकेरी कोई संतान नहीं और चेलो रोज रोज के बाप जी ई दुने मते बबूती दो जिकेरी संतान होए और वो नगरी रो राजा है इन बाप रे औलाद कोनी और थारे खातर फल लावे फ्रूट लावे सेवा करे थारी और थोड़ी बबूती इनी लिदो नी महाराज को एक कबरी हो जावे। चेले ने कहो चेला इरे हाथ जन्म तक इरे औलाद रो सुख लिखियो कोनी तो रुए हड़े ने सात जन्म इरे औलाद गोवे नी
और तू कटे भूले में बबूती दे देला जे बबूती दे जन धुने री शाम राखन भगवान ने कोई न कोई विचार हो दिया वाला तो जिन टाइम में गुरुजी कोई घुमाई करने गया अपरा लारे चेलो एक लो यो राजा तो आपरो टेमो टेम ड्यूटी लगावे भाई फल फ्रूट सेवा मौसमी संतरा लावे हर चेलो एक दिन आगे बैठो राजा पगे लागियो हर राजा पगे लागता ही चेलो विचार कियो गुरुजी आज अठे कोनी आज अपन राजा ने एक बेटो दे दो अबे चेले बबूती दे आर के ले राजा थारे 9 महीने पुत्र जलमी राजा के घना एडवांस बोलो वाला के नहीं तने कह दियो नहीं होई राजा ही मन में खुशी हुई हो अबे कहीं गुरुजी पाछा आया उठे में चले गए गुरुजी आज मैं राजा ने बबूती दे दी कुंवारी रे क्या दुनी री बबूती देर कह दियो के जा थारे 9 महीने बेटो होई गुरुजी के रोला दिया काली धार और बबूती रे दिए ते तो बबूती झूठी को जावे नहीं धुनेरी मर्यादा राखनी पड़ी तने मरनो पड़ी मर परो राजा रे गिरे जलम लेनो पड़ी जना बात हाची होई चेले के रुला दिया बिने विचार बोल गयो मरनो पड़ी और चेले ने मर और राजा रे गिरे जलम लेनो पड़ियो और जलम ले लियो तो कहीं राजा रे लड़को हफा बोले नहीं क्योंकि लालो जलम याद के एकर बोलियो मरनो पड़ी रे मैं बोल गयो तो बड़े मरनो पड़ी अरे को कोटा बदावण आया थाल सोने रा बाजिया पण लड़को बोले नहीं गांव में कैसा राजकुमार तो जलमियो पण है गुंगो बोले न को चले तो देखो 8 वर्षों रोयो 10 वर्षों रोयो गांव रे कई ऋषि मुनियो कयो के इन बापड़न कटी रोई में मिलो चुको इने बिने गुंगो है पशु पक्षियों की आवाज होन पर और कांटा बियारी भाषा लखे तो कहने ठाए संतरी ले गयो हाथे संतरी के ओसा मारे हाथे मिलो तो राजकुमार ने के हालो शिकार कितने लटको कटियो के हालो शिकारी चिड़ियों रो शिकार करने गयो आप राजकुमार पेड़ रे नीचे बैठो और ऊपर एक चिड़िकली चूं चूं चिड़ियो चिड़िकली करे चूं चूं करे राजा रे राजकुमार विचार करियो हूं बोलियो और मुंह मरियो और तुम बोले तू मरी क्योंकि ची ची करे नहीं तने मरनो पड़ी डाल पर बैठी चिड़िया चूं चूं करने बोली लाल राजा रे राजकुमार कहो बोल मती बोलिया मरनो पड़ी संतरी के राजकुमार बोल गया राजकुमार बोल गया दिन है भाई धन है आप संतरी बस देनी चिड़िकली रे ठोकी बटन देनी चिड़िया ने चिड़िन दोनों ने मार दिया हार के देख ए मरिया संतरी के वाह बाबूजी थे बोल गया न्याल हो गया मान तो न्याल कर दिया राजा मने बधाई दे राजकुमार के देई कोईटा मौत आली मने बेम बे राजकुमार जी बटई आंगली मेली चुप संतरी जार के राजा जी आज राजकुमार बोल गया दिन ने थारा भाग राजा गांव घेरने भेड़ो करियो कैसा मारो लड़को बोल गयो है संतरी साहब के है बोल गयो राजकुमार मन में विचार करियो के हूं बोलियो हूं मरियो और चिड़ियो बोलियो और चिड़ली चिड़ियो दोनों मरियो रो हंतरी बोलो बड़ मरी उन टाइम में गांव घेर भेड़ो भेड़ो चेले ने संतरी जिके विचार करे खे राजकुमार जी बोलो राजकुमार जी तो मुंह डाल ली उंगली कर ली यो राजा संतरी ने कहे जे नी बोलियो तो माथो बार दला देख लई का तो कूड़ बोलियो है जे हाथ बोलियो तो नी ने बोला हमें संतरी पगा पड़े राजकुमार जी एकर बोल जियो
राजकुमार विचार करियो रे एकर बोलियो जो को मरनो पड़ियो रे एकर चिड़िए खानी जोर बोलियो चिड़िए नी मरनो पड़ियो हमें हूं बोलो तने मरनो पड़ियो। राजकुमार जी बोलिया कोनी मून धारण कर ली। राजा जी आदेश दे दियो इस संतरी ने फांसी चढ़ा दो बेरी ने गौरे मैंने धूड़ उड़ा दी मारी कुड़ी। आर संतरी ने पूछियो थारी अंतिम इच्छा कही है के मारी अंतिम इच्छा है कि एक बार राजकुमार जी एक लो मिल। राजकुमार जी ने जार के बेटी रे बापा हुए टेम बोलिया मने तो मरनो है मने छोड़े कौन राजा जी मने बेबे पण उए टेम बोलिया थे हमें बोलो कोनी बात कही है तो जिन टेम में चलो कहीं के संतरी री रे बात सुने मने संतरी ने कहो हूं बोलियो हूं मरियो चिड़ियो बोलियो चिड़ियो मोरियो और तू बोलियो तू मरी। बोले बात कही है बोले मैं बबूती दीनी राजा रे जा पुत्र होई आरी रे पुत्र लिखियो रे कोने जने मने मर रही रे गिरे जलम लेनो पड़ियो और चिड़कली चिड़ियो बोलियो बोने मरनो पड़ियो ते बिने बिचारियों बोल तू बोल काम कावड़ कर लियो तू मने वेटे में पूछ ले तो नहीं के कंवर साहब बठे बोलो को बोलो नहीं तो हूं बठी के दे तो हूं बठ बोलू बोलला पण थे थारे मन इस बात गड़दी के हां उठे ई बोलीला गो हगले मेलो स्मेट कर लियो थने रोलू बेरी ने मरनो पड़ी कभी ना तो चिंते में गुरुजी आवे अपनो हां राजा ने कहो राजा इस संतरी ने मार मती ना। बोले क्यों? बोले नहीं ओ मारो चेलो है और थारे करे जन्म ले तने धुनेरी बबूती दीनी आरी बबूती लाज रखने वास्ते शरीर छोड़ थारे गिरे जन्म लियो और मैं इन्हें कहो तुम बिने बिचारियां बोली मती ना मैं वो बोलनो कोचावे नहीं हम मारे चेले ने मारे हाथे मेल दे और थारो बोंस बनो मिट गयो भाई। तो जिक्के मच्छनाथ जी कहो गोरखनाथ जी ने कहे ई नगरी में बोलनो पाप है बोली मती ना बोले जो कोई फंसे अटे हूं विद्या ही कनायो विद्या दड़े रे मोह पड़गी लार लाई कई श्लोक बोल गयो तो हमें कहीं करा के करा कहीं मारे अठे दे गृहस्थी बस की दो लड़का बड़े हैं मारे नेमनाथ और परसनाथ जे लेवे नहीं तो बोने हाथे लेना पड़ी। गोरखनाथ जी के मरा चेला तो अपारी धरती में गणी बड़े कर ले हाँ चेला तो के नहीं भाई लेना यो नहीं पड़ी। अधिकते में गोरखनाथ जी ने मच्छनाथ जी कहीं कहे अरे गुरु महाराज।
ना लड़की सहस बूत क्या खोए। हे गुरु जी आव घटे आव घटे तन छीजे पर घर पाओ मत दीजे। बिना मतलब पराई धरती में अपरार केड़ा पजिया होते ही पण हमें कोई मने विधि बताओ के थोने अठू काडू की कर। तो जिकते मच्छंदना जी केवरे गोरखनाथ ई ठिगणियो रो झाड़ो चले बोंगरी माथे यार घर में बोंगरी है भी बोंगरी रे तू एक एक किनो रोग तो वे नहीं तनियो रो नेम है के एक एक किनो उठार घरे मेल पस गुजर तिनो लेर जाई एक एक किनो तू रोग तो भई और अपन बॉर्डर पार करने पछि और बस चले कोनी। तो जिन टाइम मच्छंदना जी और गोरखनाथ जी नेमना जी और परसना जी रात्रि टाइम में निकले गांव शिकले में सोपो पड़े उन टाइम निकले तो गोरखनाथ जी रत गुरु जी मच्छंदना जी जाओ तो कहीं जोड़ी में दो होने ईटो गालिए क्योंकि बटे जाओ तो गांव रा कही पछे महाराज विद्या ही रहा है कण भंडारो कण करो हो विद्या ही क्या कहीं आईड कहीं भूल जाओ अपना में बट भंडारो तो करनो पड़ी भाई। तो जिन टाइम गोरखनाथ मच्छंदना नेमनाथ और परसनाथ जी निकले निकले उन टाइम में कहीं एक एक मांगरी रो तिनो रोता रोता बे अरे ने ठिकने ठा पर के हिल हिला निकल गया। तो लारे दौड़ दौड़ रवे और तिना रोपड़ा देखे एक एक तिनो दबा दब मेल रवे यो करता करता ठेठ लारे आ गई। तो गोरखनाथ जी बॉर्डर पार करियो है और कहीं देखो मच्छंदना जी ने लेपरार जावे एक नगरी में जाफरार विश्राम करियो है और मच्छंदना जी ने बड़े कांवर देशों कडार ले रहा है नगरी अंदर विश्राम करियो। तो गोरखनाथ जी ने कहो चिला भूख लागी हमें थोड़ी कटू भिक्षा लवे तो कटी अंदर पानी करो। बोले गुरु जी ए दो चिला पतकत काम आई। तो जिन टाइम चिला ने बेलियो के आ नगरी है बाणियो ने बस्ती है थे जाओ भाई नगरी में कटू भिक्षा ले रहो। तो नेमनाथ जी परसनाथ जी जावे कोई बाणियो रेडो बाहर ने रागे कोई टोकर की मरुड़ी पड़ी अरे निरंजन करियो जिकटे में बोणी कह देखो भाई यार भिक्षा तो थाने में एक गरी गाल दियो जोड़ी बरा दियो रसगुल्ला री मिठाई री पण आ टोकड़ की थाने थोड़ी प्रिया नोगनी पड़ी बंदनो गाजड़ो पूंछरो झाल परो ठल रागा नो किया या जोड़ी वर्दी मीठे हूं खपर भर दिया जई गोरखनाथ जी महाराज हाथ मिलियो तो आगे गौरो रक्त बन गयो आर कहो रे थे आ भिक्षा कठू लाया। बोले सा मोने तो एक नगरी में बाणियो गाली के थे कहीं करियो के नो टोकर की ठड़ नोखी। तो जिकटे में जार मच्छंदना जी गोरखनाथ जी बाणियो ने कहो भाई मारा शिष्य जगह कनो थे गऊ न खाई अब थाने याने पूजना पड़ी। तो जिकटे में बाणिया नेमनाथ जी और परसनाथ जी मरा ने पूजन लगा और गोरखनाथ जी और मच्छंदना जी बटो निकले। तो एक मार्ग में चार मार्ग रो चोराई आयो जिकटे में मच्छंदना जी पूछे गोरखनाथ सीधो मार्ग किसो रही के गुरु महाराज ई मार्ग में डर है और ई मार्ग में कोई डर को नहीं और अपा तो साधु संन्यासी यहां पर कोई डरे ई मार्ग हेलो शॉर्टकट मार्ग है के नहीं इनले मारे गाल क्योंकि मच्छंदना जी कने होने री ईटो मरती तो बैंब करियो कोई चोरी कर ले जन भंडारो को करो। तो कहवे भवर ए लाड़ो आगे मेरे ते तो भवर ए लाड़ो महाराज की। तो कहवे
डर भाव गुरु जी कुए राड़ो बोले थाने डर कमरो बोले तू एक मिनट बैठ रे हूँ थोड़ो वन में जा रहा हूँ ई जोड़ी रो ध्यान रखी गोरखनाथ जी महाराज के महाराज जाओ जन खासी भौज आया जो माथो दी सुन नी चाहिए मच्छेंद्रनाथ जी रवाना होया हुए टेम में जोड़ी ने हैंजी कुए रे मोनो की दबिंदो बाजी और मच्छेंद्रनाथ जी आधे टेम पाछा आया बोले गोरख हने दबिड़ कौन बाजी रे के महाराज डर बहुत तो कुए राड़िया थाने जे की चीज रो डर होनी बो कुए रे मोनो दी हमें कोई डर कोनी अरे गोरखा रुला दिया ते के कई ए होने रीटो लाया भंडारे वास्ते ते कुए रे मोनो दी हमें भंडारो कटो करो तो जिन टाइम गोरखनाथ जी महाराज के मच्छेंद्रनाथ जी के थोड़ा फूटा भरो एक पाड़ हो जिके माते पानी रो छोटो न हो कि उए टाइम भी पर्वत ने होने रो बना दियो बोले लो गुरु जी चाहिए जी तो ले लो जद गोरखनाथ जी ने देखो और मच्छेंद्रनाथ जी कह रहे पारस तो पर खनी होने रो कोई भईड़ लेनो है बोले बेटा ए जड़ो बाठो कर देने ने मिनक मरेला कटपट रेट क्यों ये तो होनो देख ही जने मिनक मरेला कही तो उन्हीं टाइम भी होने ने पाछो पर्वत बनायो है और गोरखनाथ और मच्छेंद्रनाथ बटू जावे कन्या पाल खने कटे जटे जलेंद्रनाथ जी ने वे कन्या पाल काटता दिन दोनों रात जोगनी तो गोपीचंद माते जलेंद्रनाथ जी ने रीस आईडी बोले हम आज तो भस्म कर दूं तो मच्छेंद्रनाथ जी और गोरखनाथ जी गोपीचंद ने लवे बटे डोकर और पुड़ो कर हर कुएरे माथे मिले और के गुरुजी आदेश बोले कौन है रे बोले गोपीचंद चल साड़ा भस्म हो जा पूरो भजन दिन बढ़ दिया बड़े लार पूरो मेले बोले गुरुजी आदेश बोले कौन गोपीचंद चल साड़ा भस्म हो जा बड़े पूरो बड़े चार बार पूरो वाड़ियो पांचवी ट्रेन में गोपीचंद ने आपने जो वो कर दियो बोले गुरुजी आदेश बोले कौन गोपीचंद चार साड़ा अमर हो गया वाह गुरुजी तुम्हारी कृपा अमर ही हो गया तो जनंदनाथ जी ने महाराज ने बारे काटिया तो गोरखनाथ जी महाराज कीकर काटिया कि जितो भी घोड़ों लीद भरड़ो बिने तीडी और फाको बना पर उड़ायो जिक दिन वो तीडी और फाको बापरिया था हमें तो पाप कटियोड़ो पण पहला होया कर दो तीडी और फाको कर और बारे काटिया जनंदनाथ जी ने और बठो रवाने हुए तो गोरखनाथ जी महाराज कहीं के वे आपरे गुरु ने बोले गुरु जी विद्या सीखे तो माला आपरे देश में सीख सके अपने पराई धरती में जाने जरूरत को जिन टेम के वारे गोरख ते जेड़ो चेलो कोई हो योन कोई वेला तो बटो गुरु चिल्ला बदया अरे कहीं के वे देखो अरे भंगनी रे जायो मारा गुरुजी भंगनी उपायो भंगनी रे जायो मारा गुरुजी भंगनी उपायो अरे ओ जस थारो रिकॉर्डिंग मिलेगी गुरु कृपा डीजे सावन सिंध गुरु ताराचंद सोनी बालक पर भाई कर्णाराम ऑटो पेड़ पर भाई शैतान सिंह जोधपुर गायक सीताराम विधाराम सहयोग में सिंध गुरु गांव वासी और शंकर भगवान के मंदिर पर जागरण प्रोग्राम महादेव की